बच्चों ध्यान दीजिएगा, कल हमने दो सवाल किए थे एकदम नॉर्मल वाले, अब ये भी बिल्कुल सरल है। यहाँ पर एक फलन है जिसका डोमेन क्या है रोहित, आर है, और कोडोमेन क्या है, माइनस पाँच से अनंत, और एफ एक्स बराबर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव। आपको सिद्ध करना है कि एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि एकाकी है और एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना, मतलब वही एक सवाल में कितने सवाल है, दो सवाल। तो थोड़ा जगह बचाते हुए मैं अभी ये सब मिटा दूंगा, सवाल तो आप लोग लिख लेंगे, हाँ तो ये सब मैं मिटा दूंगा, सीधा अपन इतना लिख लेंगे, ठीक है रोहित। ये अपन शुरू करेंगे एकाकी के लिए। सबसे पहले बेटा माना, अरे बोलना पड़ेगा, फलन के आर में, आर है डोमेन, कोई दो अवयव एक्स वन व एक्स टू इस प्रकार से फंक्शन ऑफ एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स टू। अगर इसको सिद्ध करने पर केवल एक्स वन बराबर क्या आता है, एक्स टू, और कुछ नहीं आता है, तो एकाकी है, और एकाकी होना जरूरी है, बिकॉज एकाकी नहीं तो फिर व्युत्क्रमणीय नहीं। तो यहाँ पर ये आएगा नाइन एक्स वन स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स वन माइनस फाइव, नाइन, तो माइनस फाइव क्या हो गए, नाइन एक्स वन स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स टू स्क्वेयर, सही है, सिक्स एक्स वन माइनस सिक्स एक्स टू बराबर रोहित, यहाँ से नाइन क्या आ गया बेटा, एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू, यहाँ से सिक्स कॉमन, एक्स वन माइनस एक्स टू। अब अगला रोहित, एक्स वन माइनस एक्स टू बस बराबर, तो एक्स वन माइनस एक्स टू क्या आ गया, नाइन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सिक्स बराबर जीरो। अब रोहित यहाँ से देखो ये सब कुछ प्लस का है, तो ये जीरो नहीं होगा, तो केवल क्या जीरो हो सकता है, ये तब एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर, यहाँ से ये छोड़ दिया अपन ने, वो फिर एक्स वन बराबर एच, अतः दिया गया फन क्या है, एक। समझ में आया सभी, नहीं आया पक्का, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन रोहित, अपन अच्छा तक मतलब एक मान रखने पर अपना एक ही मान आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि चूंकि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए लिख दें क्या, ठीक है। अब यहाँ पर अपन अगला अपन क्या सिद्ध करेंगे, आच्छादक। आच्छादक कैसे करते रोहित, अपन बताओ जरा, माना फलन के कोडोमेन क्या है, कोडोमेन माइनस पाँच से अनंत, इसका मतलब समझते हो, मतलब माइनस पाँच से लेके अनंत तक की सब संख्या, अनंत शामिल नहीं होता किसी चीज में, है ना, में कोई अवयव जिसका नाम है y इस प्रकार से है कि x एफ एक्स बराबर वाई, तो रोहित नौ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव बराबर वाई। अब जो समझा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, प्रॉब्लम होने लगी, y प्लस फाइव, और ये क्या लिखा है, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस, सब जानते कि x का मान निकलेगा तब तो कोई फ़ायदा है, तो x का मान इसमें ऐसे नहीं निकलेगा, कल कितने आसानी से निकला था, अब नहीं निकलेगा आसानी से, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, देख रहा है, ये है तुम्हारा ए स्क्वायर, क्या है, अब हम लिखेंगे टू ए बी, क्या लिखेंगे, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, वरना कोई फायदा नहीं। रोहित बेटा ए तो ये पक्का हो गया, तो यहाँ लिख लिया ए, समझ में आया, अब बी क्या होगा, चल जाएगा पता, दो तीन एक्स एक होगा, नहीं आया, अगर यहाँ बारह होता तो कितना होता, दो होता, नहीं आए ना समझ, इन दोनों को ना करके इसमें भाग दे दो तो समझ में आता कि बी क्या होगा। अब बी दग गया, अगर बी दग गया कंचन को, तो दोनों पक्षों में वन का स्क्वायर जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, हाँ क्या बन जाएगी इससे, सर्व समय, तुम्हें कैसे पता कि वन का स्क्वायर जोड़ना है रोहित, मैंने देख लिया था बी क्या है, वन है, समझ में आया, दो होता, दो का स्क्वायर जोड़ते, हाँ नंदिनी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल, और अगर ये नहीं आता,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पाँच और एक छः, वर्ग उस तरफ गया तो क्या बन गया रोहित, वर्गमूल। 3x प्लस 1 बराबर अंडर रूट y प्लस 6। समझ आया सभी को, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, ये 3x प्लस 1 का मान है, 3x इज इक्वल टू क्या आ गया रोहित, माइनस 1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6। x बराबर माइनस 1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6। अब देखिए बच्चों, बटे में तो कुछ है नहीं, अब ये आप परिभाषित कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब y का मान माइनस 6 हो जाएगा, नहीं, माइनस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 0, 0 का वर्गमूल निकलता है। ये आप परिभाषित तभी होगा जब y प्लस 6 का मान क्या रहेगा, छोटा, क्योंकि माइनस वालों का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अगर y का मान क्या हुआ, माइनस 7, क्या हुआ, -7, तो फिर माइनस 1 आ जाएगा, फिर ये निकलेगा नहीं। माइनस 8 हुआ तो भी ये नहीं निकलेगा, माइनस 9 हुआ तो भी ये नहीं, लेकिन y का मान माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी जो कोई डोमेन है वो है माइनस, y के मान माइनस 5 से चालू होंगे, कहाँ चालू होंगे, रख के देख लो, माइनस 5 रखो, माइनस 5 प्लस 6 एक का वर्गमूल निकलता है, ये है ना, माइनस 4 प्लस 6 दो का करेंगे तो आता 1.414, केवल काय का नहीं आता, माइनस। तो ऐसा कोई मान नहीं है y का जिससे ये x का मान क्या हो जाए, आ परिवार, तो यहाँ पे लिख देंगे इज द एलिमेंट ऑफ r, मतलब x का हर मान वास्तविक ही आएगा, कोई मान काल्पनिक नहीं आएगा। समझ में आया, नहीं आया तो फिर क्या लिखेंगे फिर इसके बाद, दिया गया फलन अच्छा है, चलो ये भी चल जाएगा, दिया गया फलन अच्छा है। यार अब इतना कौन लिखे, जान थोड़ी दे देंगे यार, वैसे इतना बड़ा सवाल है। नेक्स्ट आखिरी चीज रोहित बताओ जल्दी फटाफट, देख के बता दो बेटा, माना भूलना पड़ेगा यार, जी ये पलटेंगे, माइनस 5 से अनंत से आर में, बेटा कोई भी नहीं किया बिल्कुल, कोई परिभाषित फलन, फलन इस प्रकार से है कि जी वाई बराबर माइनस 1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3। अब रोहित हम निकालेंगे जी ओ एफ और थक गए यार, ऐसे नहीं चलेगा यार, सवाल तो सवाल हो, मैंने कल कितनी मेहनत से पढ़ाया, ये कुछ हमें नहीं लगा टफ, तुम्हें लग रहा है, y की जगह क्या रख दिया अपन ने, एफ एक्स, यहाँ भी y की जगह क्या रख देंगे, करते जाओ सब बनेगा। चलो अब एफ एक्स देखो जरा, ये क्या बन गया रोहित अपना, जी ओ एफ ऑफ एक्स, रोहित यहाँ 9x स्क्वायर सही है। अपॉन 3। अब क्या करेंगे रोहित अपन, आराम से, घबरा क्यों रहे हो यार, वो तो करना ही है, डरने की बात, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 अपॉन 3, ये आ गया रोहित माइनस 1 और यहाँ आ गया 3x प्लस 1 का बोल, और जिसको बेटा ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आ रहा कैसे आ गया, ये वर्ग से वर्गमूल माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3। एक मिनट रुक जाइए, कोई गड़बड़ हो गई, माइनस 3 नहीं यहाँ पे क्या है, माइनस 1, सॉरी मेरी गलती, माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो गए, ये आ गया 3x अपॉन x, 3 से 3 तो रोहित जी ओ एफ एक्स का मान क्या आया अपना, एक्स, जो कि क्या कहलाएगा, एक्स का तत्समक फलन, ये आ गया। अब अपना क्या बचा रोहित, एफ ओ जी, अब हम कहाँ निकालें, कहाँ निकालें, यहाँ निकाल दें बन जाएगा इतने में, चलो हम निकलवाते हैं, आप पे नहीं बनेगा तो हम निकालो, सुन लो ध्यान से, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, एफ ओ जी बराबर क्या है, जी ओ एफ आता, तो अभी अपन ने क्या निकाला अपना, जी ओ एफ, वो आ गया है तत्समक फलन, अब हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी, एफ ओ जी निकालने के लिए रोहित हमें एफ एक्स लिखना पड़ेगा, एफ एक्स क्या है बेटा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, अब इसमें x की जगह क्या लिख देंगे, जी वाई, क्या लिख देंगे, तो 9 इंटू जी वाई स्क्वायर, तक गए क्या, 6 इंटू जी वाई माइनस 5। बच्चों यहाँ पे जी वाई का मान देख के आप लोग डर गए होंगे कि इसका होल स्क्वायर हम कैसे करेंगे, अच्छा नहीं डरे, 3 तरह का कितना हो गया, 9
और अब इसका करेंगे क्या, कर सकते हैं जीवन में, है ना रोहित? सही है बेटा, ये नौ कैसे आया समझ में आया? प्लस सिक्स जी वाई का मान फिर से, प्लस अंडर रूट वाई प्लस सिक्स अपॉन थ्री। थक गए बच्चों? चलो बेटा, नौ से नौ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। समझ आया बच्चों को ये स्टेप? यहाँ तीन एक कम, तीन दूनी दो का माइनस एक में माइनस दो, प्लस दो अंडर रूट वाई प्लस सिक्स माइनस फाइव, माइनस वन का स्क्वायर वन, बिल्कुल सही जवाब y प्लस सिक्स, माइनस टू अंडर रूट y प्लस सिक्स, माइनस टू प्लस टू अंडर रूट y प्लस सिक्स माइनस फाइव, टू अंडर रूट y प्लस सिक्स प्लस के और माइनस के क्या हो गए? अब इत्मीनान से ध्यान से सुनो, छः और एक में से दो गए पाँच, फिर पाँच गए जीरो, समझ गए? बचा क्या? तो ये आपका जी ओ एफ सॉरी एफ ओ जी वाई है रोहित, तो एफ ओ जी क्या हुआ रोहित? आई वाई। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बताओ ज़रा, स्पष्ट है कि ये हो गया था ना यहाँ का बेटा? हाँ बताइए, स्पष्ट है कि, अरे यार बहुत पक्के बच्चे हैं यार, बिल्कुल ही बोलना नहीं जानते। रोहित देख के बोल, स्पष्ट है कि जी एफ का व्युत्क्रम फलन है। कैसे स्पष्ट है? क्योंकि एफ ओ जी और जी एफ दोनों क्या आए हैं? तत्समक। तो अब अतः एफ इनवर्स एक्स बराबर जी एक्स, तो जो जी वाई था ना रोहित, उसमें अपन वाई की जगह क्या रख देंगे? एक्स, मतलब माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स अपॉन नाइन। सही है, मिला लीजिए जरा, कोई दिक्कत है? सही तो है, ओह सॉरी थ्री है, एक देख नहीं पाए, सही है, कर लो। किस किसने कर लिया था? एक छोटी सी अपन को मिस्टेक हुई, वो मैं बहुत देर सोच रहा हूँ, यहाँ पे आर प्लस है रोहित, क्या है आर ऋणेत्तर वास, ऋणेत्तर मतलब ऋण को छोड़कर, क्योंकि अगर आपने अभी देखा था ना वो जो अपन ने किया था वो दो मान वाला, मैंने आपसे बोला था कि यार ये जो लिखा है नाइन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सिक्स रोहित, बोला था ये जीरो नहीं हो सकता, इसलिए केवल कौन जीरो होगा? ये वाला, ये जीरो इसलिए हो सकता बिकॉज एक्स वन एक्स टू काय के रहेंगे? प्लस के रहेंगे, काय के रहेंगे? प्लस के। अगर माइनस के रहेंगे तो ये भी जीरो हो सकता है, अगर माइनस के रहेंगे तो ये भी जीरो हो सकता है, समझ पा रहे? तो इसलिए विशेष ध्यान, अपन ने ये गलती कर दी, मैं भूल गया था कि अपन ने सही नहीं लिखा यहाँ पे क्या है आर प्लस, आप इसको सही कर लीजिएगा सवाल में, ठीक है। यहाँ पर एक फलन दिया है जिसका डोमेन है माइनस वन से वन, मतलब एक्स का मान जो है माइनस वन से वन के बीच में रहेगा और कुछ नहीं, मतलब एक्स का मान कहाँ से कहाँ, सुन लो यार, माइनस वन से कहाँ है वन, मतलब एक्स का मान आप दो तीन नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, परिसर इसका, रेंज इसका क्या है? आर है, या डोमेन आर है, और सिद्ध करना है कि फलन क्या है? एकाकी है, और इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ये सिद्ध नहीं करना कि व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो उसमें बहुत बड़ा हो जाता है, क्या सिद्ध करना है? एकाकी है और व्युत्क्रम ज्ञात, तो ये आपको बहुत 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 ही सरल लगेगा, ठीक है, सुनोगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एकाकी के लिए, माना फलन, बोलो यार, के डोमेन माइनस वन से वन में कोई दो अवयव एक्स वन व एक्स टू इस प्रकार से हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस टू, सही है, और यहाँ पे एक्स टू अपॉन एक्स टू प्लस टू। थक गए? गुणा करेंगे, एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स वन, अभी गुणा किए हैं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्स वन एक्स टू, ये क्या हो गए? ज़्यादा जल्दी नहीं करना, अगली स्टेप में दो से दो क्या करेंगे? कहीं कहते जल्दी बताइए काट देते, अतः थ्योरी लिखे थ्योरी में बना, लेकिन सीधा दिया गया फलन एक आर। अब अपन को देखो अच्छा तक नहीं चेक करना, नहीं बोला व्युत्क्रमणीय सिद्ध करेंगे अपन सीधा, अब देख लो वर्तिक का कैसे कर दे, पहली बार अपन ये कर रहे हैं, माना एफ का व्युत्क्रम फलन वाई है, क्या है? क्या है बेटा? मतलब एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई, मतलब एक्स बराबर एफ वाई, ठीक है, साइन वाई करे हो। चलो बेटा यहाँ देखो जरा,
एफ वाई, एफ एक्स कितना है x अपॉन x प्लस टू, तो एफ वाई क्या हो जाएगा y अपॉन y प्लस टू। कन्फ्यूजन में आ गए क्या? चलो एक्स वाई प्लस टू एक्स बराबर वाई, एक्स वाई माइनस वाई बराबर माइनस टू एक्स, मज़ा नहीं आया। y बराबर एक्स वाई प्लस टू एक्स सही है, x ओ सॉरी y माइनस एक्स वाई बराबर टू एक्स, वाई कॉमन वन माइनस एक्स बराबर टू एक्स, y बराबर टू एक्स अपॉन वन, लेकिन y तो क्या है f इनवर्स। छोटा सवाल नहीं आया समझ में, लेकिन सर आपने पहले ये नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया रोहित, रुक जाओ, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसमें अपन अच्छा था कि जांच में ही फंक्शन ऑफ y निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ आज तक जांच नहीं है, तो अपने शॉर्ट निकल लिया। समझ में आया f इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर क्या आ गया एफ वाई, जैसे साइन वर्स एक्स बराबर वाई तो एक्स बराबर साइन वाई, याद है कुछ की नहीं याद, तो यहाँ पे एफ वाई तो एफ एक्स क्या है एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो एफ वाई क्या होगा वाई अपॉन, बस अपन गुतरिया गुणा करेगा का मान निकालना वाई का, वाई का मान अपना क्या बन जाता है।